दोस्तों, अगर आप भी एबी डिविलियर्स को एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु के बीच में आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला खेला जाने वाला है, जो इन दोनों टीमों के साथ साथ बाकी सभी टीमों के लिए काफी ज्यादा अहम है। इसलिए हमें इस मुकाबले में दोनों टीमों की ओर से बड़े ही शानदार खेल का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चलिए बताते हैं आपको इस रोमांचक मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल और केएल राहुल में कौन है बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाज? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, 3 अक्टूबर को खेले जा रहे आईपीएल के सबसे रोमांचक मुकाबले में दो सबसे बेहतरीन टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स आपस में भिड़ती हुई नजर आईं। आपको बता दें कि यह मुकाबला शारजहां के मैदान पर खेला जा रहा था। बता दें कि यह मुकाबला बेंगलुरु से ज्यादा पंजाब के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुकाबला था, क्योंकि अगर वो इस मुकाबले को जीतने में कामयाब रहते हैं तो इस साल उनकी प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल ने अपनी टीम में कई बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने इस मुकाबले में सिर्फ 3 विदेशी खिलाड़ियों को खिलाने का फैसला किया है, जिसमें एडम मार्करम, निकोलस पूरन और मोइसेस हेंड्रिक्स शामिल थे। वहीं सरफराज खान और हरप्रीत बरार की इस टीम में वापसी हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि शारजहां की यह पिच काफी ज्यादा धीमी गति की पिच है। इसलिए विराट कोहली के अनुसार इस पिच पर पहले बल्लेबाजी करना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा यह पिच और भी ज्यादा धीमी गति की होती जाएगी, जिस पर फिर बल्लेबाजों के लिए बल्लेबाजी करना काफी ज्यादा मुश्किल साबित होता हुआ नजर आएगा। आरसीबी की टीम में यजुवेंद्र चहल और शहबाज अहमद जैसे जबरदस्त स्पिन गेंदबाज हैं, तो वहीं टीम के सबसे शानदार गेंदबाज हर्षल पटेल, जिन्होंने अब तक इस आईपीएल में शानदार गेंदबाजी करते हुए पर्पल कैप अपने नाम कर रखी है, वो अपनी गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए बल्लेबाजों को अपना शिकार बेहद ही अच्छे से बनाते हैं। इसीलिए इस मुकाबले में विराट कोहली ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दोस्तों, आपको बता दें कि बेंगलुरु की ओर से हमेशा की तरह विराट कोहली और देवदत्त पणिक्कल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। वहीं पंजाब की ओर से एडम मार्करम ने गेंदबाजी की शुरुआत करी। दोस्तों, आरसीबी के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली और देवदत्त पणिक्कल पंजाब के गेंदबाजों के सामने थोड़ा बहुत संघर्ष करते हुए नजर आए, लेकिन जैसे ही इन दोनों बल्लेबाजों ने भाप लिया कि इस पिच पर कैसे बल्लेबाजी करना फायदेमंद रहेगा और उन्होंने अपने तरीके से बल्लेबाजी की रणनीति बदली और अपनी पारी को आगे बढ़ाया, बड़ी ही आसानी से पंजाब के गेंदबाजों का सामना करते हुए नजर आए। आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने का यह पहला कदम उठाया देवदत्त पणिक्कल ने, जिन्होंने तीसरे ओवर में अर्शदीप सिंह को आड़े हाथों लेते हुए उनकी पहली 2 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। उन्होंने पहली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगाया, वहीं दूसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। और दोस्तों, अब देवदत्त पणिक्कल पूरी तरीके से अपनी लय में आ चुके थे और दूसरे छोर से विराट कोहली काफी ज्यादा सूझबूझ और समझदारी से बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर पहले पावर प्ले में 50 रन के पार पहुंचा दिया था, जो कि शारजहां की धीमी गति की पिच पर एक काफी शानदार शुरुआत थी। दोस्तों, इस मुकाबले में अजय अंदाज ने आरसीबी के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसे देखकर तो अनुमान लगाया जा रहा था कि आरसीबी की टीम पंजाब के सामने 160 से अधिक रनों का लक्ष्य रखने में कामयाब रहेगी, क्योंकि अभी तो ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स और केएस भारत जैसे ताबड़तोड़ बल्लेबाज आने बाकी हैं, जो कि अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से पंजाब के गेंदबाजी क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख सकते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि आरसीबी की टीम को पहला झटका मिलने के बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए केएस भारत, जिन्होंने एक बार फिर अपनी शानदार बल्लेबाजी से सभी प्रशंसकों को बड़ा ही खुश कर दिया। वहीं चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने अपनी पुरानी टीम पंजाब किंग्स के गेंदबाजों को आड़े हाथों लेते हुए उनकी जमकर धुलाई करी और इस मुकाबले में शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर बेंगलुरु की टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। और इसी के साथ बेंगलुरु की टीम पंजाब के सामने 150 से 160 के बीच में लक्ष्य रखने में कामयाब रही। अब दोस्तों, पंजाब के खिलाड़ियों पर सारा दारोमदार होगा इस लक्ष्य को हासिल करके अपनी टीम को इस मुकाबले में जीत के साथ साथ प्ले ऑफ में जगह बनाने की उम्मीदों को अभी भी बरकरार रखने का। लेकिन आप सभी को क्या लगता है कि इस मुकाबले में बेंगलुरु के खिलाड़ी ताबड़तोड़ अंदाज में खेल का प्रदर्शन करके प्ले ऑफ में अपनी जगह पक्की करने में कामयाब रहेंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।